और आज की वीडियो में आते हैं पाकिस्तान की शर्ट से। आज हम लोग आपको अपनी मैं जो अपनी बॉलिंग टेक्निक करता हूँ मैं वो दिखाने जा रहा हूँ, वो भी इस कॉक क्या रबर बॉल से, रबर क्या कॉक बॉल है, आई डोंट नो। सो हम लोग अब शुरू करते हैं, लेकिन शुरू से पहले प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना और लेट्स गो। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लेफ्ट आर्म में जो मैं आपको लेजर्स बताने वाला है, वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी और फिर वसीम अकरम को छोड़कर मैं दोनों की स्टाइल दिखाऊंगा बॉलिंग करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस हम लोग पहले मोहम्मद आमिर की टेक्निक कर रहे, और मोहम्मद आमिर की टेक्निक से मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि आप कैसे उसकी बॉलिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसकी लास्ट में एक वीडियो में भी मैं दिखाऊंगा जिससे आप उसको उसकी टेक्निक सीख सकते हैं कि आप मेरी टेक्निक सीख सकते हैं बाबर आमिर की बॉलिंग से। और मैं अभी विकेट बना रहा हूँ तो आपको विकेट का भी एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो विकेट मेरे पास थी नहीं, मैंने बास्केट ले लिया, यहाँ पर बास्केट पड़ी हुई थी, इस जगह बास्केट पड़ी हुई थी और मैंने यहाँ से उठाकर ये बास्केट ले लिया। और अगर आपको देखा हो कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता हूँ अपने कमरे में, और एक दफ़ा मैंने यहाँ से सीधा यॉर्कर मारा था जो ये लग गई थी और बास्केट टूट गई थी। मैंने यॉर्कर बस बॉल डाल रहा था, बॉल यूं आकर यूं लग गई, पूरा उसको लेकर चली गई, तो ये बास्केट है हमारी, मतलब कि एक ये विकेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे आपको जो पहले टेक्निक देखनी है वो आपको देखना है कि आपको बॉल कैसे पकड़ना है। आपको कुछ लोग कहते हैं कि आपको बॉल ऐसे पकड़ना है और फिर आप ऐसे फेंकेंगे स्विंग हो जाएगी। आपको पता है मामा हमें स्विंग भी करते, लेकिन मैं स्विंग नहीं सिखाऊंगा आपको, इसलिए मैं अभी तक सीखा इतना नहीं हूँ। मैं आपको बस नॉर्मल मोहम्मद आमिर की बॉल सिखाऊंगा, तो उससे बताया एक वीडियो में, मैं वही वीडियो लगाऊंगा आखिर में, बिल्कुल वीडियो में आखिर में अफरीदी की भी हो जाएगी। तो वीडियो में हमने उससे दिखाया कि मैं ये तो है वो टेस्ट बॉल, तो इजी हो जाएगा अगर आपके पास भी हो। और ये जो है ये मोहम्मद आमिर इस मिडल फिंगर को और इस पिंकी फिंगर को, पिंकी फिंगर नहीं, क्या है ये, जो भी फिंगर ही है, इसको यहाँ रखता है ऐसे, और ये जो थंब होता है इसका वो ऐसे, कुछ लोग ऐसे रखते हैं तो वो कहते हैं ऐसे स्विंग हो जाएगी, लेकिन उनका ये थंब मोड़ भी सकता है बहुत बुरी तरीके से। तो ना आप इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ करें और इस थंब को ना आप ऐसे रखें, एक मिनट में दिखाता हूँ, ऐसे इस थंब को ऐसे रखें जैसे कि वो यहाँ फेस कर रहा है, आपके यहाँ फेस कर रहा है, लेकिन मेरे यहाँ अभी फेस कर रहा है, यहाँ फेस कर रहा है, और तो फिर ऐसे पकड़ना है और ये जो दो फिंगर है ये इनको ऐसे नीचे रखना है, और ये आपको पता चल गया बॉल कैसे पकड़ते हैं मोहम्मद आमिर की तरीके से। और फिर अगर आपको बॉलिंग का एक्शन डालना है तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे यूं करके यूं कहते हैं मोहम्मद आमिर की बॉलिंग एक्शन, लेकिन मोहम्मद आमिर ऐसे डालते हैं। मैं आपको उसका बॉलिंग एक्शन भी दिखा देता हूँ क्लियर के लिए, ऐसे डालता है वो, ऐसे दोनों हाथ को ले आते हैं, और जब वो जैसे कि ये मेरी, अगर ये लाइन है ठीक है, कैमरा गिर भी सकता है, हाँ गुड, अब ये मेरी लाइन है ठीक है, ये नीचे मेरे कारपेट है, ये देखिए यहाँ ये कारपेट है और ये मेरी लाइन है, और जब वो ऐसे आ रहा हो ना, वो जो लाइन में आ रहा हो, आप ऐसे समझ रहे कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, लाइन आपने बनाई हो नो बॉल के लिए, तो वो लाइन में आ रहा हो ना, तो ऐसे करता है वो पूरा अपना, ये जिससे बॉल पकड़ी होती है वो अपना हाथ यूं करता है, और ये जो होता है ना, ये लेफ्ट राइट आर्म, और ये ऐसे करता है वसीम अकरम की तरह, जैसे उसने सिखाया ऐसे करना, तो फिर वो ऐसे करता है और फिर वो ये वाला पाँव, ये राइट वाला पाँव हटाता है ठीक है, ऐसे मैं आपको पूरा दिखा भी देता हूँ पूरा रन आउट। फिर ठीक है, आपने ये रन आउट देख लिया, ये पहले अपना राइट हैंड ऊपर उठाता है, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाता है, राइट हैंड पीछे करता है मुंह के, और ऐसे उसका मुंह लगता है, ऐसे मुंह होते हैं ना, ऐसे मुंह होता है, तो ऐसे लगेगी यहाँ पर ऐसे लगेगी, ऐसे ये होना नहीं चाहिए, ये ऐसे अपना मुंह यूं कर लेता है और वो विकेट दे पाता है, वो विकेट देख पाता है, और फिर विकेट देख कर वो अपने पाँव हटाता है, और फिर जैसे अपने पाँव हटाता है ना, और वो ये वाला हाथ ना, ये जो यूं होता है वो ऊपर चले जाता है
ऐसे ये वाला हाथ ये ऊपर चले जाता है जैसे ही ऊपर था पहले, और फिर ये वाला हाथ नीचे आता है, और फिर ये वाला हाथ पूरा गोल घूमकर, ये वाला हाथ पूरा गोल घूमकर, और जब वो यहाँ बीच में हो आपका हाथ नीचे आना चाहिए मोहम्मद आमिर की तरह, फिर वो ऐसे मारता है और फिर वो ऐसे यूं कर, ऐसे करता है। मैं आपको पूरा आप दिखाता हूँ, आपने सारे स्टेप देख लिए ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सीधा विकेट में लग गए, इसलिए मैं क्या कर रहा था, मैं फोकस कर रहा था विकेट में, मेरी आंखें विकेट में थी इसलिए वो विकेट में लगी। अगर आपको वापस देखना है तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं या स्लो मोशन लगा कर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए वापस कर लेता हूँ। आपको बस स्टेप्स याद होनी चाहिए और आपकी आंखें विकेट में होनी चाहिए, वापस कर लेता मैं। देखिए वापस विकेट में लगी, सीधा यू यॉर्कर लग रही है, यॉर्कर सीधा यू यॉर्कर यॉर्कर लग रही। और आपने मोहम्मद आमिर को सीख लिया, और हम लोग अब बढ़ते हैं शाहिन शाफरीदी में। ओके गाइस, अब शाहिन शाफरीदी के बारे में ज़्यादा मुझे आपको, मैं बहुत चाहता हूँ कि आप लोग हम वीडियो को प्लीज़ लाइक मारें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और मुझे लग रहा है कि आपको अब मोहम्मद आमिर के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। और शाहिन शाफरीदी के तो बारे में लोग कहते हैं कि वो ऐसे बॉल पकड़ता है, लेकिन ऐसे कोई बॉल नहीं पकड़ता है, वो बॉल पकड़ता है तो उसका ये वाली चीज़, ये पूरी चीज़ ऐसे यूँ हो जाती है, ऐसे बॉल पकड़ते ना ऐसे यूँ सीधा हवा जाती, ये आपका आवाज़ सुनाता हूँ। ये जो मेरा भाई है ना, ये आपको शीशे में दिख रहा है, ये बहुत तंग कर रहा है मेरे। अच्छा, लेकिन मैं जहाँ से जानता हूँ मोहम्मद शाहिन शाफरीदी बिल्कुल मोहम्मद आमिर की तरह ही बॉल पकड़ता है, ऐसे शाहिन शाफरीदी मोहम्मद आमिर की ही तरह बॉल पकड़ता है, ठीक है। और अगर आपको तो पता है शाहिन शाफरीदी, अब आपको पता चल चुका है कि शाहिन शाफरीदी मोहम्मद आमिर की तरह बॉल पकड़ता है, और अब मैं आपको उसका एक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो रन अप है, जैसी मोहम्मद आमिर के लिए भी बताई थी मैंने, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसका रन अप, मोहम्मद आमिर का रन अप ऐसे था, लोग कहते हैं कि शाहिन शाफरीदी का भी रन अप ऐसे है, लेकिन ने नोटिस नहीं किया। शाहिन शाफरीदी का जो रन अप है ना, वो ऐसे यूँ, वो नॉर्मल है ऐसे यूँ 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 यूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है यूँ। और मैं आपको उसका रन अप दिखा भी देता हूँ, इससे आपको क्लियर नोटिफिकेशन हो जाए ना, ऐसे यूँ है, आपने देख लिया, ठीक है। ऐसे यूँ नहीं है, यूँ नहीं है, यूँ 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 ऐसे, आपको क्लियर हो गया। और उसका जो अभी वो जो वो है ना बॉडी पोस्चर और कैसे बॉल फेंकता है, वो मुझे इतना क्लियर नहीं है जितना मुझे अभी पता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, और सॉरी शाहिन शाफरीदी की वीडियो नहीं है तो मैं जो लास्ट में डाल दूँ, ठीक है। चले अब हम लोग स्टार्ट होते हैं, आपका उसका रन अप देख लिया आपने, अब उसका पोस्चर देखते हो कैसे मारते हैं, ऐसे उसका रन अप है, ठीक है। और जब अब ये मैंने आपको दिखा दिया था, मैं कार्पेट में हूँ अभी, और उसके अभी मेरे पास कोई नो बॉल लाइन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग गली क्रिकेट खेल रहे हो, क्या स्टेडियम में खेल रहे हो, कहीं पर भी खेल रहे हो, आपको नो बॉल लाइन बनानी है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। मेरा गला बहुत है, मैं तेज बोल रहा हूँ, चलिए। अब नो बॉल लाइन तो नहीं, लेकिन जब आप नो बॉल लाइन में आए ना, पहले आप नो बॉल लाइन से बहुत दूर है, तो आपको ऐसे रन अप लेना है, और फिर जब आपको आप सोच रहे हैं कि मैं बॉल फेंक सकता हूँ नो बॉल लाइन से पीछे, तो आपको ऐसे करना है यूँ, ये वाला जैसी लेफ्ट आर्मर्स ऐसी करते हैं, ऐसे यूँ करना है, ठीक है। और ये जो हैंड है ना, ये जो हैंड है, ये इस आर्म के पीछे छुपाना है, ठीक है। ये देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरा ये छुप रहा है, ये छुप रहा है, ये मेरी बॉल छुप रही है मेरे इस आर्म की वजह से छुप रही है, और ऐसे हाथ होना चाहिए, मैं छुप रही है, पता नहीं कैसे कह रहा हूँ, छुप रहा है तो भी यार, ठीक है। ऐसे यूँ हो रहा है, यूँ जैसे कि यूँ फेंक रहे हैं, यूँ ऐसे किसी को ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे आपको नोट चढ़ना, ये देखिए मैं आपको पूरा आप दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये छुपा, ठीक है। अभी छुप कर ना ये, और जब आप फेंक रहे हो ना, आपको जंप नहीं करनी, आपको ये वाला पाँव ऐसे ऊपर उठाना ही, ऐसे ही ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठाना है, मैं अभी दिखा नहीं सकता इतना, लेकिन ऐसे इतना सा उठाना है बस, थोड़ा सा इतना सा उतारना है, बहुत नजर आ रहा है, इतना सा उतारना है,
में से न्यू, ठीक है। और जब आप फेंक रहे हो ना इस बॉल को नीचे में जहाँ पे छोपड़ी थी, छुपड़ी थी छुपड़ा वो भी है वॉट एवर, ठीक है, यहाँ पे छुपड़ा था छुपड़ी थी वो क्या हो गया छुपड़ी थी, आप यहाँ से इसको नीचे ले आएंगे और इस हाथ को ऊपर कर लेंगे और इस हाथ को ऊपर करके ना इसको यूं गोल घुमाएंगे, यूं यूं ऐसे ऐसे जैसे रस्सी घुमाते ऐसे यूं गोल घुमाएंगे और फिर ना और फिर ये हाथ यूं जाएगा और ये हाथ यूं जाएगा जैसे कि वो इमो है पबजी में, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यूं हाथ जाएगा और फिर इस बॉल को ऐसे फेंकेंगे ऐसे यूं सीधा और फिर ये पूरा पोस्टर आपका डन हो गया। और मैं आपको अब बॉलिंग भी दिखा देता हूँ, ठीक है। गाइस आपको कौन अच्छा लगता है, मोहम्मद आमिर के साथ शफीदी, कमेंट डाउन बिलो। लुक ये आपको आवाज आएगी सीधा शीशे में लगा, ठीक है, लेकिन विकेट में नहीं जाएगा। अब आपको जो फोकस करना है वो विकेट में, आपकी आय फोकस होनी चाहिए विकेट में, तो यौ नहीं देखनी चाहिए तो बॉल वहीं चली जाएगी। अब मैं दिखाता हूँ, ये सॉरी कैमरा चल गया, ये विकेट में लगी है। आपको बॉल अच्छे से प्रूफ भी हो गया होगा और मेरी बॉल भी गुम गई, नहीं मिल गई बॉल, गाइस बॉल मिल गई, गाइस बॉल मिल गई, इसके लिए लाइक मारो, ठीक है। आपको प्रूफ भी हो गया होगा जैसे कैमरा गिरा है। और ये यॉर्कर था, मैं यॉर्कर ज्यादा डालता हूँ लेफ्ट आर्म से। आपको जब अपनी आईज का फोकस विकेट में रखना है। चले अब हो गई विकेट की खत्म, वो विकेट कह रहा हूँ वीडियो खत्म। आपको लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा और हम लोग अब मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में बहुत दिनों महीनों के बाद। मैं फेस टू फेस कैमरा में हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ महीनों में फेस टू फेस और शॉर्ट्स में डालते रहूँगा। और चले लाइक सब्सक्राइब कर दे और मैं अभी डाल रहा हूँ, मैं वीडियो के एंड में डाल रहा हूँ मोहम्मद आमिर की टेक्निक। सो गुड लक, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। जिधर मूव करती है नए बॉल के साथ आपका मोस्टली 99% बॉल उधर ही जाता है, ठीक। और इसका लॉक रहना, अगर आपने इनस्विंग करना है तो इसका इनसाइड लॉक रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको फिनिश फिर पूरा करना होता है इनसाइड की तरफ। फिर जब आपने आउटस्विंग करना होता है आपको पता है कि आपका एंगल चेंज होता है और वो फर्स्ट स्लिप की तरफ जाता है। जिधर आप रिस्ट को मारोगे नया बॉल मोस्टली उधर जाता है, लेकिन उसके बाद आ जाता है जो आपका फिनिश पॉइंट होता है, क्योंकि ये जो आर्म है आपका ये फिर पूरा फिनिश होना चाहिए। अगर आप इन अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो आपका ये पीछे जाके ये लगना चाहिए रिप्स को कि ये पूरा फिनिश हुआ है, क्योंकि जब तक आप फिनिश नहीं करोगे आपकी रिस्ट पूरी फिनिश नहीं होगी। तो फिनिश और फिर इसको लॉक रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो